सलाम वालेकुम शफकास के साथ आप एक बार फिर इस वीडियो में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शक्करकंडी की खीर। जो आपने चावल की खीर तो सुनी होगी, लेकिन बहुत सारी चीजों की खीर तो सुनी होगी, शक्करकंडी की खीर शायद ही कम सुनी होगी। इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शक्करकंडी की खीर किस तरह से तैयार होती है। सबसे पहले हमने ले लिया तकरीबन 1 किलो दूध। 1 किलो दूध हमने इसे एक बर्तन में डाल लेना है। बर्तन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। एक किलो दूध हमने बॉयल करना है। जैसे ही बॉयल की कंडीशन में आता है, आपको साथ साथ इंग्रेडिएंट्स दिखाता जाऊंगा। हमारे पास शक्करकंडी है, इतनी हमें जरूरत थी, हमने उतनी ली हुई है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है, इसे छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है, छिलके के साथ नहीं डालना, ये चीज का खास ख्याल रखना है आपने। ये अच्छी तरह से हमने से सारी से छील ली है। छीलने के बाद हमने इसके पीसेस बना लेने हैं। छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से काट लेना है। इस तरह के आपने इस तरह की कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इस तरह के इसके पीसेस बना लेने हैं, ज्यादा मोटे भी ना हो, ज्यादा बारीक भी ना हो। हमने पीसेस काट लिए थे। पीसेस करने के बाद हमने इसको धो लिया। धोने के बाद साथ साथ आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारे पास बॉयल हो गया। बॉयल होते ही हमने इसमें जो शक्करकंडी है इसमें डाल लेनी है। फिर इसमें शक्करकंडी जो हमने काटी हुई है वो सारी इसी में डाल लेंगे। इसमें डालने के बाद एक बार हिलाएंगे। शक्करकंडी हमने इसमें डाल दिया है। शक्करकंडी डालने के बाद इसे एक दो बार हिलाएंगे अच्छी तरह से। एक दो बार हिलाने के बाद अब हमने लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस कंडीशन में हमारे पास तैयार हुई है। आप घर में जरूर बनाइएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे पास 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 10 से 15 मिनट होने के बाद ये दूध हमारे पास इस कंडीशन में आ गया, और शक्करकंडी जो हमने इसमें डाली थी वो देख सकते हैं आप कि किस कंडीशन में हमारे पास वो अवेलेबल हो गई है। इस कंडीशन में हमने हमारे पास है तकरीबन 100 ग्राम चीनी। 1 किलो दूध था, 100 ग्राम चीनी हमने इसमें डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे इसे। 5-7 मिनट के पकाने के बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे किस तरह से हमारे पास ये शक्करकंडी वाली खीर तैयार हुई है। ये हमारे पास 5-7 मिनट हो गए हैं। 5-7 मिनट के बाद जो हमने इसमें चीनी डाली थी वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और ये जैसे हैं दूध का कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। लाइट ब्राउन जब दूध का कलर हो, इस तरह का दूध जब आपके पास तैयार हो तो बहुत ही लाजवाब किस्म का टेस्ट आता है। ये हमारे पास बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म की शक्करकंदी वाली खीर तैयार है। ये इस तरह से आपने सर्विंग के लिए तैयार कर लेनी है। ये हमारे पास सर्विंग के लिए तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब किस्म की शक्करकंदी वाली खीर तैयार होती है। सर्दियों का ये लाजवाब तोहफा है। आप घर में जरूर बनाइएगा, और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके पास किस तरह से तैयार होती है। इस तरह से तैयार होने के लिए ठंडी करेंगे। ठंडी करने के बाद आपने इसे फिर खाना है। और जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।